टाइप वन तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब देखिए टाइप टू के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत गौर से। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस बी, बी अपान हो जाएगा एक्स माइनस टू और प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके मान निकालिए। सबसे पहले किया क्या जाए, पहले एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो मतलब थ्री मान के पहले इसका मान हम लोग इसमें रख लिया जाए, जिससे ए और बी के मान निकले। इसमें रखना दोस्तों एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर में, और ऊपर रखना इसमें मत रख देना, नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रख के हम उसके ए का मान निकाल लेंगे। जब इस पे रखोगे तो एक्स बराबर थ्री, तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा थ्री, तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, तो इससे निकाल लोगे तो इसमें ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा टू, ए बराबर टू आ जाएगा। अब देखो, अब इसी प्रकार बी का मान रख ले, तो बी का मान दोस्तों इसमें नहीं रखना है आपको, बी का मान इसमें नहीं रखना है, बी का मान इसमें और इसमें रखना है, टू का मान इसमें रख देना है। एक्स बराबर टू आएगा तो इसमें इसमें रख के हम उसका बी का मान निकाल लेंगे, तो बी का मान हमारे पास आ जाएगा बी बराबर माइनस दो आ जाएगा। अब देखिए, अब बचा हमारा सी का मान निकालने के लिए, तो सी के मान को निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये एक्स माइनस वन, ठीक है, बटे एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर नीचे लासा ले लिया, तो लासा हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा ए एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस थ्री आ जाएगा और एक्स माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्लस सी हो जाएगा, सी का आ जाएगा एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये नहीं पड़ जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसको हल कर लिया जाए, एक्स बराबर हल कर लिया जाए, हमारा मान आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस वन बराबर, इसको हल करेंगे, इसमें फार्मूला लगा देंगे, एक्स माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे इसमें, ये हमारा जो भी आ जाएगा। इसको हल करने के देखिए, ये फोर ए प्लस सिक्स बी माइनस थ्री सी, ठीक है, ये सब हल करने की बात। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का वन, इसको हल करेंगे, ये एट मान रख लेंगे ए का, बी का मान रख लेंगे, तो माइनस सिक्स और माइनस थ्री सी, तो हमारे पास सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा वन। ठीक है, तो ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। ठीक है, अब ये मान उठा के इसमें रख लिए जाए। ठीक है, देखिए अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स, तो बराबर देखिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ए का मान है टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस टू है तो ये माइनस, चलो प्लस लग गया कोई बात ही नहीं है, टू आ जाएगा, नीचे क्या है एक्स माइनस टू, ठीक है, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी का मान है वन, तो वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास टू लॉग एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए गौर से देखिए, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन मतलब दूसरे का दूसरा पार्ट है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके सबसे पहले भाग कर लें, तो
देखिए इसको करने के लिए ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके मान निकालने होंगे तो ये हमारा एक बराबर हो जाएगा। इसके बाद लासा सा आप लेंगे, लासा लेके हल कर सकते हैं। ये a बराबर आ जाएगा हमारे पास ये x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस b बराबर आ जाएगा x प्लस वन और c बराबर आ जाएगा सी एक्स आ जाएगा। समीकरण नंबर एक दे लो इसको। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले x बराबर हम जीरो रख लें, इसके हिसाब से x बराबर जीरो रख लें जिससे हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर जीरो समीकरण नंबर एक में रखने पर, ठीक है, जब हम समीकरण नंबर एक पे जीरो रखेंगे तो हमारे पास मतलब क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा वन बराबर ए जीरो प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या मिला, ए बराबर हमको मिल गया वन। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसका बी का लेके चलें। ठीक है, तो एक्स बराबर माइनस वन रखने पर जब एक्स बराबर माइनस वन रखा तो देखो ये हो जाएगा वन बराबर माइनस वन रखा तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा बच जाएगा, सी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा सी माइनस वन। तो ये सी का मान क्या आ गया हमारे पास माइनस वन, तो सी बराबर आ गया माइनस वन। ठीक है, अब हम करें क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लेंगे तो जो भी है तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास, पहले तो जीरो से चला है पहले, तो ये हमारे पास जीरो बराबर ए प्लस बी या a बराबर माइनस बी, तो b का मान तो है नहीं, तो a का मान हमारे पास क्या है वन है, तो b बराबर हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास b बराबर माइनस वन आ गया। ठीक है, b का मान आ गया, c का मान आ गया, a का मान आ गया। अब रख लेते हैं मान ये हम सब, तो वन अपॉन x x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा वन अपॉन x प्लस में था इसके अब माइनस पे मान आया है b का, तो ये आ जाएगा वन अपॉन यह x प्लस वन। ठीक है, इसके बाद माइनस वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन पे लिख लो इनको, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन x x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास log x। ठीक है, आगे माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, log x प्लस वन हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन लेकिन माइनस पे होगा ये हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, या तो इसमें कॉमन ले लिया जाए तो एक्स अपॉन ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे का ही तीसरा नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है, टाइप टू का ही है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है,
ये कह रहा है। इस सबसे पहले इसके फैक्टर कर लिए जाए, जब तक फैक्टर नहीं होगा तब तक हल नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन हो जाएगा क्या x माइनस वन, ठीक है, प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा, ये b अपॉन हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके मान निकाल लिए जाए तो इसका लासा ले लिया जाए, तो लासा जब लिया जाए तो लासे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास एक्स बराबर, एक्स बराबर ये आ जाएगा ए, ए का इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन और प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें एक्स बराबर एक रख ले पहले, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर एक रखने पर, जब एक्स बराबर एक रखेंगे ये हमारा एक्स बराबर एक रखें हम, एक्स बराबर एक रखेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जब एक्स बराबर एक रखें, एक ही यहाँ रखा, वन बराबर ए, वन माइनस वन प्लस बी, इसका मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, बी बराबर, बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, वन, ठीक है। अब एक्स, अब एक्स का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक, गुणांकों की तुलना कर लें, के तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना करेंगे इसका तो हमें ए बराबर वन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हल कर लिया जाए तो होगा क्या, ये आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये है प्लस, प्लस ही होगा प्लस, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे और हल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए अब ये हमारे पास हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा ये, और माइनस इसका हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिएगा अब देखिए टाइप थ्री का क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे का पहला देख ले, इंटीग्रेशन कह रहा डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कह रहा, ठीक है। अब इसको हल कर लिया जाए, सबसे हल करने से पहले सबसे पहले इसके तो फैक्टर बनेंगे, ठीक है, साधारण भिन्न में इनको तोड़ना पड़ेगा, तो चलिए तोड़ के देखते हैं इनको फिर। तो चलिए इसको किया जाए, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर, इसको तोड़ लिया जाए ए अपॉन, पहला इतना कर लिया जाए वन प्लस एक्स हो जाएगा, अब दूसरा क्या है बी एक्स प्लस सी कर लो, बी एक्स प्लस सी बटे, बी एक्स प्लस सी बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बी का भी और सी का मान दोनों इसमें, ये हो गया अपने पास। अब देखिए इसको हल कर लिया जाए तो ये तो हमारा वन हो जाएगा, तो वन बराबर, अब देखो ए का मान ये ए है, ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स, नीचे अपने पास लासा या ना लो सीधे कर लो, ठीक है, ये सीधे अपना लासा लेके नीचे लासा, यही दोनों लासा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए वन बराबर, सबसे पहले इससे मान निकाल लो, ठीक है, इससे ये मान आ जाएंगे, देखो इससे मान निकालो तो एक्स बराबर माइनस, एक्स बराबर वन लेने पे, ठीक है, एक्स बराबर माइनस वन लेने पे, जब माइनस वन लोगे तब इसका मान निकल आएगा, जब प्लस लोगे तो इसका मान, ठीक है। तो देखिए ये हमने ले लिया ए,
वन प्लस एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस वन लेने पे, ठीक है। अब माइनस वन हम इस पे ले रहे हैं, देखिए इस पे रखेंगे माइनस वन, ये क्या हुआ, ये हमारे पास आ जाएगा वन बराबर ए वन प्लस वन, ठीक है। ये हमारा कट जाएगा माइनस रखने पे, ये हमारा बच जाएगा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बराबर टू ए, इसलिए ए बराबर वन अपॉन टू आ गया। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को तुलना कर लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी बराबर जीरो, ये हो जाएगा ए ए बराबर माइनस बी, तो हमारे पास ए का मान है, तो हमारे पास बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ए का मान ये था, तो बी का मान हमारा माइनस पे आ जाएगा, ठीक है, इन बी का मान हमारे पास माइनस वन अपॉन टू हो गया। अब देखिए ये हमारा बी का मान आ गया, ये हमारे पास ये बी का मान है, ये हमारे पास ए का मान है, अब बचा सी का मान, सी के मान लिखा अचर पद से हम तुलना करा लें, ठीक है, तो अचर पद से तुलना कराने पर ये हो जाएगा वन बराबर ए प्लस सी, ठीक है, या और सी बराबर हो जाएगा वन माइनस ए हो जाएगा, इसका मतलब सी बराबर हमारे पास क्या आ गया, वन माइनस वन अपॉन टू, सी बराबर आ गया वन अपॉन टू, तो मतलब सी बराबर हमारे पास वन अपॉन टू आ गया। अब देखिए, अब चलिए आगे ये सारे मान उठा कर रख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन टू वन प्लस एक्स, इस पर रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा मान इस पर रखेंगे प्लस, ये हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे देखिए, अब इनको अलग अलग हो जाए, तो देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन टू बाहर निकालेंगे, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन अपॉन टू इससे भी बाहर निकाल लेंगे, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, जब इसको करेंगे वन अपॉन टू एक बाहर आएगा, टू इंटू फोर हो जाएगा लॉग लॉग देखिए ये वन अपॉन फोर लॉग हो जाएगा, लॉग वन प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए ये है ना, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू है, वन अपॉन टू ये हो जाएगा, ये टेन इनवर्स हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ये हम अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला इसी का तीसरे का दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन, तो इसको बना लिया जाए, तो ये हमारा आ जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद अगर इसको और भी बनाना चाहो, ये अपना ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन बन जाएगा, एक्स प्लस वन बन जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन, ठीक है, बराबर ए हो गया, ये एक्स माइनस वन हो गया, प्लस बी का हो गया, बी हो गया एक्स प्लस वन हो गया, प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
वन हो गया। ठीक, अब देखिए इनके नीचे लासा ले लीजिए, ये लासा वन हो गया, ये ए बराबर क्या आ जाएगा, ये निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वन बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार बी का निकाल लो, जब बी का निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। इसी प्रकार सी एक्स प्लस डी का देख लीजिए, इसका क्या बचेगा हमारे पास, इसमें बचेगा एक्स माइनस वन आ जाएगा और एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर एक मान लो। अब दोनों पक्षों में एक्स बराबर एक रख लीजिए इसके हिसाब से। ठीक है, एक्स बराबर एक लेने पर, ठीक है देखिए, तो ये हो जाएगा वन बराबर, ये हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक का पक्ष बचेगा तो वन प्लस वन एक कोष में आ जाएगा, वन प्लस वन एक कोष में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बराबर वन अपॉन फोर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स बराबर माइनस वन ले लें, तो एक्स बराबर माइनस वन लेने पर देखिए माइनस वन लेंगे तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वन हो गया, ये बी बराबर हो गया माइनस वन और माइनस वन ये हो जाएगा प्लस वन प्लस वन। ठीक है, तो हमारे पास बी बराबर भी आ गया माइनस वन अपॉन फोर, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, वन अपॉन फोर हो गया। अब देखिए समीकरण एक में दोनों पक्षों की एक्स क्यूब की तुलना कर लें। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे तो जीरो बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ए और बी की मान हमारे पास है वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी, ये कट जाएगा तो हमारे पास सी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब इसी प्रकार हम उसका भी निकाल सकते हैं, देखो, और ये हो जाएगा वन बराबर ए माइनस बी माइनस डी, या वन अपॉन फोर माइनस, और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस वन अपॉन फोर माइनस डी बराबर वन, इसको हल कर लिया जाए। तो जब इसको हल करोगे तो डी बराबर अपने पास आ जाएगा चार चार आठ इधर गया वन अपॉन टू माइनस का। ठीक है, देखिए ये मान हमारे पास आए, अब इनको हम उठा के रख लेते हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स के पावर फोर माइनस वन बराबर। ठीक है, बराबर हो जाएगा तो ये वन अपॉन फोर एक्स माइनस वन, देखो पहले को वन अपॉन फोर आया था ये रखा है। ठीक है, दूसरा आया था माइनस भी तो माइनस लग गया, वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन आ गया। तीसरा अपना आया था माइनस, तो भी आया है शायद एक आया है नहीं नहीं ए बी सी का मान कहाँ गया, सी का मान जीरो आया है। ठीक है, तो वो तो हट ही जाएगा। इसके बाद हमारे पास डी का मान आया है माइनस वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ले लिया जाए तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वन अपॉन फोर को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स हो जाएगा, माइनस वन अपॉन फोर को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, माइनस वन अपॉन टू को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए सीधे डायरेक्ट हम के ले रहे हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन फोर, ये लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, या तो एक्स माइनस वन हो गया, ये माइनस वन अपॉन फोर लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अब सिर्फ बस आंसर आंसर रह गया लिखने का आपका, इसको इसको कॉमन ले लीजिएगा, ये तो यही आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कॉमन हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं, देखिए अब देखिए इसको आगे देख लीजिए, सिर्फ इसका आंसर ही आंसर हमको लिखना हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन फोर, लॉग कॉमन हो जाएगा इससे, ये वन अपॉन फोर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
आगे देख लीजिए,